दोस्तों आपको वन हज़ार पी के पर ई लर्निंग में खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू के रिबन में कमेंट्स के सेक्शन के बारे में। तो आए देखते हैं कि कमेंट्स क्या हैं और हम किस तरह से जो अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट्स का यूज़ चेक कर सकते हैं। तो मैं कमेंट्स का यूज़ जो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले से स्टार्ट किया हुआ है। कुछ टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये रिव्यू के रिबन में आप कमेंट सेक्शन जो आपके सामने है, कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं और इनका क्या फ़ायदा है, ठीक है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है बनाया हुआ है, अगर आप उसमें जो है कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ऐड करना चाहते हैं तो वो कमेंट्स की सूरत में आप ऐड जो है कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपका सपोज के ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है इसको रीड कर रहा है, तो इसमें जैसे मैं यहाँ पर जो है BMP के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कमेंट्स के साथ जो है ईजिली इसमें ऐड जो है कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर्सर है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है न्यू कमेंट, अब यहाँ पर जो है मेरे पास जो है राइट साइड में जो स्पेस आ गया, यहाँ पर मैं कमेंट में जो है जो भी डिटेल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड जो है कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ डिटेल है आपके सामने जो ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये BMP स्टैंड फॉर बिट मैप, तो ये मैंने यहाँ पर जो ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है एक और कमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक और मज़ीद मैं कमेंट ऐड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने डॉक्यूमेंट में जो है 3 कमेंट्स जो है यहाँ पर ऐड किए हैं। अब इसके बाद जो अगर मैं कमेंट्स को जो है ऑफ़ करना चाहता हूँ तो मैं इनको ऑफ़ भी जो है कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ से आप जो है, ठीक है, अपने ट्रैकिंग में ओरिजिनल पर क्लिक किया, कमेंट्स जो है आपके सामने ऑफ हो गए हैं। और अगर जो है कोई इन कमेंट्स को जो है रीड करना चाहता है तो यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारे कमेंट्स जो हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल थी तो वो आपको यहाँ से जो है पता चल रही है। तो इस तरह से जो है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल जो है ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए जो है आप ऐड जो है कर सकते हैं। और इनको कमेंट्स को डिलीट करना भी जो है बहुत ज़्यादा आसान है। आप जस्ट इनमें क्लिक करें और यहाँ से एक एक करके जैसे भी आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने डिलीट कर रहा हूँ ऐसे ही आप इनको डिलीट भी जो है कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कमेंट्स को जो है किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कमेंट्स का सेक्शन जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने कुछ ये ट्रैकिंग के सेक्शन से भी हेल्प ली है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जो है बात करेंगे। अगर फिर भी आपको समझने में कुछ मुश्किल हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएँ। थैंक यू।